मम्मी मेरे को रात को भूत दिखाई दे, मम्मी वहां से जा रहे थे ऐसे भुर 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 काले रंग के थे मम्मी, पीली पीला छतरी टुकड़ा। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और स्वागत है आपका मेरे इस नए ब्लॉग में। तो अभी थोड़ी देर पहले मेरी मम्मी यहाँ पे आई तो मैंने सोचा ये बोलेंगे कि बेटा मैंने आज खाने में ये बनाया हुआ है तो तू ये खा लेना और वापिस से दरवाजा बंद करके सो जाना। तो आई तो बोलते पोछा लगाना है आज, झाड़ू लगाना है आज, और इसके साथ साथ दो तीन काम और बता के गए। मैं कहा लिस्ट लेके लिस्ट बना के दे दो तो मैं उस पर काम कर लूँ थोड़ा सा। ऐसा नहीं बोला कि बेटा ये ले ये खा ले, मैंने ये बनाया हुआ है खाने में, ऐसा कुछ नहीं बोला। भी तो ये बोला पोछा लगा देना, सारे घर में झाड़े छुड़ा देना, पूरे घर के सफाई कर देना, रगड़ के पूरे घर की, कोई वैल्यू नहीं। फिर बोलते अगर तुम कमाते 30,000 तब तो तुम्हें मैं बेड पे खाना देती, तुम कमाते हो 10-20,000, ज्यादा से ज्यादा 30,000 कभी कभार हो ही जाता है तुक्के से, तब भी वो सेम वैल्यू है। जब हम कमाएंगे 20,000 तब भी सेम वैल्यू है, जब हम कमाएंगे 10,000 तब भी, 50 कमाएंगे तब भी सेम वैल्यू है, कोई फर्क नहीं है इस बात में कि तुम पैसा कमाओगे यूट्यूबर हो। कुछ नहीं समझते मेरे घर वाले, ये देखते हैं कि हमारा बच्चा बेरोजगार बैठा हुआ है, लग रहा है पोछा दे रहे यहाँ पे, पोछा लगाता रहे यहाँ पे। वैसे मैं हूँ तो फनी, पर मैं फनी बातें नहीं करती हूँ क्योंकि आप लोग वरना हंस हंस के पागल हो जाओगे, तो हमें खाने में छोड़ना पड़ेगा, इसलिए मैं हंसी वाली बातें नहीं करती हूँ। और ये मेरे बाल इन पे पहने मैंने कि वो मिंडी होती है वो एक ऐसे ऐसे गोल गोल करके, उस वजह से थोड़े खराब खराब आ रहे हैं। तो आप लोग ऐसे मत सोचना कि मेरे को वाइट बाल आ गए हैं बालों में, ऐसा कुछ नहीं है। कितना बड़ा टैंकर है हमारे घर के पास रुका हुआ, हमारे घर के बाहर एक बहुत बड़ा टैंकर ट्रक खड़ा हुआ है, इतना बड़ा आया है, क्या हुआ इसको, क्यों रुक गया ये बेचारा। घर वालों को ये बता रही हूँ कि मुझे रात को भूत दिखाई दिया था, तो ये बंदे पूछ रहे हैं कि क्या कर रहा था भूत, नचने लग रहा से। तब मेरे मुंह आ रहा कि कहा नच रहा हो, तो बहुत बुरे हाल है आजकल के घर वाले, सीरियस नहीं लेते मेरी बात। तो घर वालों को बता रही हूँ मुझे रात को भूत दिखाई दिया, तो मेरी बातों को सीरियस नहीं लेता है कोई, ना ही मुझे लेते हैं कभी सीरियस। A few moments later, पेचु लटकी थी अपने सारा गोबलो आठा पकड़ी सु आठा पकड़े भी। मैंने इनको ताना मारा कि कोई मुझे चाय के लिए नहीं पूछता, तो देखो आज चाय के लिए खुद लेके आया, वो भी गर्मा गर्म। हम दोनों की चाय सुबह की, हाँ पता है इनको सुबह की होती है चाय, शाम की नहीं होती। 9 बजे कैसे 9 बजे, 9:09 बजे है अभी, 9:20 हुए अभी। मम्मी मेरे को रात को भूत दिखाई दे, मम्मी वहां से जा रहे थे ऐसे भुर 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 काले रंग के थे मम्मी, फोन पे दिखाई दे तो भगवान का नाम जपो, जो भगवान दिखाई दे रहे हैं उनका नाम जपो, पर सच में दिखाई दिए। इस साइड से जा रहे थे ऐसे, बाहर नहीं जा रहे थे, ये जा रहे थे पुर नहीं, पर काले रंग के थे मम्मी, परछाई थी बस, ये जाओ यहाँ ये बार बार, तब इसे मैं लाइट ऑन करने से उतरी थी। पहले मैं ये वाली लाइट कितनी ही ऑन ऊपर वाली, फिर मैं नींद नहीं आ ना मुझे, फिर मैं पार वाली लाइट की ऑन, मैं क्या वो वाली करती हूँ ऑन, नींद आई यानी फिर मैं पर्दे भी बंद करते। फिर मैं कम्बल ओढ़ लिया, फिर भूत नहीं सूझा, फिर भूत चुड़ैला सूझी। तो आइए दोस्तों आप लोग भी चाय पी लीजिए गर्मा गर्म। मैंने ताना मारा मम्मी को कि आप लोग मुझे खाना देते हो ये वो फलाना ढूंढा, देखो कितनी अच्छी प्लेट से जाके दी है, पर आज हमारे पास डोरेमोन नहीं है देखने के लिए, तो मैं ऐसे खाना खाएंगे, मतलब भिंडी की सीजन अभी भी खत्म नहीं हो रहा। 2 hours later पीली पीला छतरी टुकड़ा। मत रो चल, बस लल्ली हो, चलो चलो
पीली पाई गई पीली आई के लाया करने अच्छा बॉर्डर क्रिएटिव रहते बॉर्डर लाइन खींच गई पालक पालक लसन आ एरिया च नहीं आ सकता लसन पालक आई एरिया च नहीं आ सकता पालक च नहीं अरे माइक करी यूज तो ही करी नहीं करते मम्मी कर लो आ तो माइक तो मैं लगाई ले हूं देखिए केड़ी आवाज आई इत्ते च क्या करे काम करा जल्दी जल्दी तभी फ्री होना लगे ना तुप्पा मिंजन लगी कदम मिंजो चल भी चिंटू सामने अंदर खाई पीने ये चींटियों का घर है और यहाँ पे बहुत सारी चींटियां हैं और इन चींटियों को हम दे रहे हैं मीठा भोजन और ये चींटियां अब तक गोल मोल लेके चले गई हैं एक यहाँ पे रखेंगे एक चींटी आएगी सूंघेगी दो चींटियों को बुलाएगी और इसको भी ले जाएगी इतना बल भी नहीं होना चाहिए आए नहीं चींटी सारी खबर पहुंच गई है इनके अंदर के इलाके में पड़ोसी देश में भी खबर पहुंच गई है कि यहाँ पे आज पार्टी शुरू हो चुकी है और ये देखें एक चींटी ने पूरा का पूरा मनका उठा लिया क्या फेंकते हैं इस चींटी को पता नहीं लग रहा तो पूरी बिछूरी चींटी इस पे बैठ गई है
चींटियों का आतंक देख सकते हैं आप लोग, पीला पूला लेंगे सब कुछ सीधे आपके घर में पहुंचाते हैं, सुविधा होम डिलीवरी करते हैं। नहीं नहीं लेके जा रहे इसको, इधर फेंकूंगी तो लेके जाएंगे। और चाहिए तुम लोगों को? लीजिए खाजिए, पूरी की पूरी मिठाई खा लीजिए। यहाँ वालियों को मिल नहीं रहा, यहाँ वालियों को भी नहीं मिल रहा कुछ। अब मिला, कितनी सी रह गई है, मुझे खुद ये मिठाई दिल्ली से आई है। मैं चिंदू खिला रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ इन्होंने कॉकरेज उठा लिया है, इसकी पार्टी करेंगे आज, ये नॉन वेज भी खाती होंगे। तो इनसे ये उठाया नहीं जा रहा है, मुझे लग रहा है ये तोड़ तोड़ के लेके जा रही हैं। चींटियां मेरे पैर पे भी घूम रही हैं, इनको पता लग गया है कि मेरे पास है वो खजाना लाल पीले रंग का। अपना काम हो गया खत्म, पानी दे के फ्री हो गया अपन। थक गया रहा सच में। आइए दोस्तों आप लोग भी खीरा खा लीजिए विद मिर्ची, बहुत ही टेस्टी है। मुंह में पानी आ रहा है मेरे में, आपके भी आ गया होगा पक्का। hours later मैं बना रही हूँ स्पेशल अंडा कड़ी। तो अभी मैंने तड़का लगाया हुआ है और इसमें आप लोग जानोगे कि इसमें मैंने क्या क्या डाला हुआ है। तो इसमें मैंने बेसन डाला हुआ है जो कि आप लोग देख सकते हैं नीचे भी गिर चुका है बेसन, और इसमें अंडा और नमक हल्दी और देगी मिर्च, और मिर्च मैंने इसमें अलग से डाली हुई है। तो ये मेरी आज की स्पेशल रेसिपी है। मुँह में पानी आ रहा है इसको देख के, तो हम ज़्यादा नहीं है तो इसको मैं अच्छे से मिला लूँगी। देखो इसमें मैंने पूरे अंडे मिक्स कर दिए हैं, हमारा तड़का भी हो जाएगा। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे अंडे। बनाने बहुत कुछ आता है पर मैं सिर्फ बनाती नहीं।